और इस बजट पे आगे भी हम ये बात करेंगे कि इस बजट पे क्या चर्चा हो पाएगी सदन के अंदर। उमेश जी करेंगे इस पर। उमेश जी जी, ये बजट जो है बता रहे हैं इतना बढ़िया बजट बना है और लोग कह रहे हैं आप लोग विपक्ष में इसलिए केवल कमियां निकालते हैं। बताइए मंत्री साहिबा ने जो है होली की पिचकारियों पर बताइए छूट दे दी, रंग पे, पिचकारियों पे, गुब्बारे पे, गुलाल पे, सब तो कर दिया लेकिन वो छूट 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से लागू होगी। सुरेंद्र अग्रवाल जी से एक बार पूछ लूं, और होली अप्रैल से पहले है। सुरेंद्र जी, बजट के प्रावधान 1 अप्रैल से लागू होते हैं ना? जी हाँ जी हाँ। और होली तो 27 को होली तो 27 को हो गई। अब हो सकता है कि वो अगले साल की होली की बात कर रही है तो मुझे नहीं पता। अमिताभ जी, असलियत यह है कि हमारी वित्त मंत्री महोदय ने देखा कि भाजपा का जो है चेहरा बदरंग हो रखा है, तमाम घोटाले जनता के बीच में जिस प्रकार से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा थोड़ी रंगीन पिचकारी भी मार दी जाए, थोड़ा भाजपा के नेता लोग भी थोड़ा सा। अरे तो पूरा फ्री कर देना चाहिए आपको। नहीं, मेरा फ्री कर देते। मैं बात ही दूसरी कर रहा था। मेरा निवेदन ये था कि ये प्राविधान लागू होंगे अगर विधानसभा स्वीकृत करती है इस बजट को तो 1 अप्रैल 2013 से। ठीक है, और होली निपट जाएगी 27 मार्च को, तो ये प्राविधान होली को कैसे प्रभावित करेंगे? और इंदिरा जी ने बाइट दिया, बयान दिया। अच्छी खबर से उमंग भरी रहेगी होली में। अच्छा, वो अपना आ जाए, उमंग आ जाएगी। ठीक है, ठीक तब ठीक। पब्लिक का बेवकूफ बनाया जा रहा है सीधा सीधा खुलेआम। अब भाजपा नेताओं की होली जो है वो तो खराब हो गई, भाटी आयोग ने कर दी, कुछ घोटाले और जो आ रहे हैं तमाम जनता के बीच में, जनता ने जिस प्रकार से लगातार नकारा है बजट पे, तो सुरेंद्र भाई स्वाभाविक है बजट पे नहीं। अग्रवाल साहब, सुरेंद्र अग्रवाल साहब, सुरेंद्र जी, जी सुरेंद्र जी, प्लीज मैं चाहता हूं सवाल बहुत सीधा सा, जवाब बहुत सीधा सा। जी, बजट के बहुत सारे प्रावधान मैंने पढ़े, हालांकि पूरा मैं भी नहीं पढ़ पाया अभी। बहुत सारे प्रावधान में जो मुझे अभी तक समझ में आया वो ये कि अगर कोई मुझसे कहे कि 100 में इसको नंबर दो, तो मैं 65-70 नंबर, जितना मैंने पढ़ा है अभी आधे से ज्यादा, उतना मैं देना चाहूंगा कि सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 60% मार्क्स मैं देना चाहूंगा इनिशियली। लेकिन इंदिरा हृदय साहिबा का ये जो बयान है वित्त मंत्री महोदया का कि होली आ रही है और हमने इसलिए पिचकारी के, रंगों के, गुब्बारों के दाम कम कर दिए हैं ताकि लोग होली अच्छे से खेल पाएं, मुझे इस पे घोर ऐतराज है, घोर आपत्ति है। देखिए पूछिए क्यों नहीं, अग्रवाल साहब देखिए क्या होता ना, कभी भी जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो कभी भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो कक्षा 8 का बच्चा भी पकड़ ले कि आप गलत कह रहे हो। 1 अप्रैल से बजट के प्रावधान लागू होंगे, होली 27 तारीख को खत्म हो जाएगी, और होली के लिए अगर आप छूट दे रहे हैं जैसा आप दावा कर रहे हैं, तो भैया जी होली के लिए तो पूरी परचेसिंग हो गई, जो होली के लिए मैन्युफैक्चरिंग हुई पिचकारी की, गुब्बारे की, रंग की, उस पर तो वैट ऑलरेडी कट गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उसमें लग गए, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से होता हुआ वो तो भैया वो बाजार में आ गया, रिटेलर के पास है, लोग खरीद रहे हैं और खरीद चुके हैं, इसमें मंत्री महोदया क्या करेंगी? होली का जो उमंग है वो पूरे साल चलेगा। नहीं, ये देखिए, ये पूरे साल नहीं चलता है क्या? पूरे साल चलेगा, तर्कहीन चलता है, तर्कहीन तर्क। महिलाओं के बजट में 46% की बढ़ोतरी हो गई है। मैंने 60 नंबर पहले दे दिए के लिए, मैंने प्रथम श्रेणी का बजट बता दिया इसको। अग्रवाल साहब धन्यवाद आपका धन्यवाद। उमेश अग्रवाल जी, मैं चाहूंगा इस पर आप अपनी राय दें। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके का बजट कांग्रेस की इंदिरा हृदयेश जैसी कैबिनेट मंत्री ने पेश किया है, वित्त मंत्री ने, उससे उत्तराखंड के लोगों को घोर निराशा हुई है। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से केंद्र ने हमारा इंडस्ट्री पैकेज काटा, उस इंडस्ट्री पैकेज को की भरपाई करने के लिए इस बजट में क्या कोई प्रोविजन है? माननीय भुवनचंद खंडूड़ी जी ने पहाड़ के लिए एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री पॉलिसी दी, उस पॉलिसी को आपने समाप्त करके, उसके क्रियान्वयन को खराब करके आपने उसके एवज में क्या उमेश जी, उमेश जी देखिए, अगर आप उमेश जी अगर आप सिर्फ तुलना करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमको आज जो बजट पेश हुआ, सुनिए तो जो बजट आज पेश हुआ, हम उस बजट की किसी बजट से तुलना ना करें और उस बजट के अच्छे और बुरे पॉइंट्स देखें, तो 60-65% जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं जो लोगों को राहत देने वाले हैं। आप मानिए इस चीज को,
और अच्छे को अच्छा कहना, दिन को दिन कहना, दिन को दिन कहना अच्छी बात है। अगर 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 महिलाओं को 25% कर में स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे रही है तो ये महिला सशक्तिकरण है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उनकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? अरे आप बताइए ना क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 20 वर्ष पहले जब ऐसा किया गया था तब महिलाओं के पास आर्थिक तौर पर सशक्त होने का सुनहरा अवसर आया था। परिवार के पुरुषों ने महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी खरीदना और रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू किया था ताकि ताकि 4/4 स्टाम्प ड्यूटी बचे। महिलाओं का सशक्तिकरण तो हुआ ही ना आर्थिक तौर पे। प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी खरीदना और उसको बेचना या विकलांगों के लिए खरीद फरोख्त करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हमारी महिलाओं पर रोजी रोटी और उसको उनके आय के साधन जुटाने जरूरी है और वो जुटाने से पहले आप उनको सिर्फ उसके ऊपर करते हैं। आपने कहा फल निर्मित शराब में 5% की छूट करके आप पूरे देश को खुश करना चाहते हैं और बताते हैं कि पर्यटन बढ़ेगा। इस देवभूमि के अंदर आप शराब के ऊपर कर खत्म करके क्या मैसेज इस पूरे देश को देना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए का मैसेज क्या? अग्रवाल साहब, उमेश जी आपके गुजरात में शराबबंदी है, क्या गुजरात में शराब कोई नहीं पीता? देखिए गुजरात नहीं, मुझे बताइए ना, हाँ या ना बताइए। नहीं नहीं पीता है, उसमें बकायदा लाइसेंस प्रक्रिया है, सिस्टम है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए बहुगुणा सरकार की जो कोशिश अभी इस बजट को देख के मुझे लगती है वो ये कि प्रदेश में इस बजट में अधिकाधिक इन्वेस्टमेंट की कोशिश की जाए, अधिकाधिक लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। जैसे आपने 60 से 70 नंबर इस बजट को दिए हैं, ये आपका एक अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने चैनल के माध्यम से सरकार को खुश करने का एक तरीका हो सकता है। मैं तो आपको खुश करना चाहता हूँ, एक अपनी अपनी मैं तो आपको खुश करना चाहता हूँ उमेश जी। जिस प्रकार से ये उमेश जी, मैं तो आपको खुश करना चाहता हूँ। प्रोविजन दिए गए, इन प्रोविजन में कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता और कोई भी ऐसा मजबूत आप प्रोविजन बता दीजिए मुझे। अतुल जी, ऐसा लगता होगी आप 60 से 70 नंबर देने जा रहे हैं। अतुल जी, बजट में से 25% से 30% से ज्यादा ये खर्च नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ये हवाबाजी के लिए। खर्च ना कर पाएंगे, नहीं नहीं उमेश जी खर्च ना कर पाएंगे, ये आपका वैलिड पॉइंट हो सकता है। जैसा कि विगत वर्षों में हमने देखा है कि बजट का 30 से 40% अविकल भाई बता रहे थे खर्च हुआ, लेकिन बजट के आज के जो प्रावधान हैं वो वाकई इनकरेजिंग हैं। अब इन प्रावधानों के ऊपर आप इम्प्लीमेंट ही ना कीजिए तो आपकी समस्या। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दैवी आपदा में आपने वो जो तार होता है ना, तार के ऊपर वेट कम करके क्या दैवी आपदा के लिए मैसेज देना चाहते हैं? दैवी आपदा के लिए जिस टाइम दैवी आपदा आती है आपके मंत्री तो विदेशों में घूमते रहते हैं। आप दैवी आपदा होती है वहां पर आदमी तड़पता रहता है, उसको कोई जरा सा भी वो नहीं मिलता। अतुल जी, दैवी आपदा में आप एक तार के ऊपर वेट कम करके उमेश जी हल्के फुल्के नोट पे सिर्फ एक बात कहूंगा। मेरी एक मंत्री से बात हुई आपके उत्तराखंड के, उन्होंने बहुत हल्के फुल्के मूड में मुझसे, एक शादी में मिले थे हम लोग शादी समारोह में, उन्होंने मुझसे कहा कि सब बेकार की बातें करते हैं विपक्ष वाले और आप मीडिया वाले, अगर हम लोग यहां पर होते तो क्या हाथ लगा के बरसात को और बाढ़ को रोक लेते? क्या हम यहां पर होते तो क्या चट्टान को हाथ लगा के रोक देते कि तुम नीचे ना गिरो? बोले फालतू की बात करते हैं सब लोग, हम लंदन में थे तो क्या हुआ, मशीन तो काम कर रही थी। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन ऐसी बातें कही गई। भाजपा नेताओं को की मन स्थिति इन दिनों बहुत खराब है, उनको इस बजट में कोई अच्छाई नहीं दिखेगी। वो इसलिए खराब है क्योंकि जनता लगातार भाजपा को लगा रही है, इसे जब नकारने की वजह से आवश्यक वो इसमें बड़े हतोत्साहित हैं। बहुत नकारात्मक सोच भाजपा नेताओं की हो गई है। भारतीय आयोग की वजह से जहां जेल जाने का डर सता रहा हो भाजपा नेताओं को, उनको बजट की चीजें समझ में नहीं आ रही। ये डर तो है, ध्यान भाजपा का भारतीय आयोग और जेल की तरफ है। नहीं अग्रवाल साहब में जो अच्छी बात नहीं सुरेंद्र अग्रवाल साहब, लेकिन भाटी आयोग में जिन नेताओं को जेल जाने का डर सता रहा है वो तो तब जाए जब सरकार अच्छा काम करे। सरकार ने तो 2-स्टार दरोगा को जांच पकड़ा दी, पूर्व मुख्यमंत्री और उनके तमाम मातहत कर्मचारियों की। सरकार को चाहिए था सीबीआई जांच को रिकमेंडेशन करे। बिठा दिया है
अफसरों को बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया है सिर्फ मात्र राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण भारतीय जनता पार्टी प्रतिद्वंदता कहां से आ गई है। भाजपा के मुख्यमंत्री ही अपने पूर्व मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री ठीक है ठीक है मुख्यमंत्री है ठीक है अविकल थपलियाल साहब अविकल थपलियाल साहब अविकल थपलियाल साहब फाइनल कमेंट। मुझे पता है कि ये दोनों वक्ता बहुत मुखर हैं बहुत प्रखर हैं और इन दोनों के सामने मेरी और अमिताभ जी की आवाज भी कई दफे दब जाती है। नहीं 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 ऐसा नहीं कही अतुल जी हमारी मजाल नहीं है ये अतुल भाई तब नहीं अब मैं मजाल कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम को खत्म करने नहीं, की मैं ये और, नहीं और अविकल भाई अविकल भाई अविकल भाई फाइनल कमेंट क्षमा चाहूंगा ये देखिए आप लोग देखिए मेरी आवाज फिर दबा रहे हैं। ये बजट सालाना उर्स की तरह है हर साल आता है हर साल हम ऐसी ही चर्चा करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि इस बजट पे थोड़े से जो पैसा ज्यादा रखना चाहिए था उद्यान बागवानी के लिए रखना चाहिए था वो कम रखा है इन्होंने। अच्छा आईटी सेक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में कम रखा है आपदा में भी उतना नहीं रखा गया जितना रखा जाना चाहिए। बिजली उत्पादन में रखना चाहिए था बिजली उत्पादन में कोई प्रोविजन नहीं है कोई प्रोविजन फिलहाल आपकी सरकार में तो बिजली उत्पादन के लिए बहुत सारा पैसा था लेकिन कैसे 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 लोगों को बांट दिया गया प्रोजेक्ट वो भी पता है आपको पुराने प्रोजेक्ट चलाए खंडूड़ी जी के राज्य सुरेंद्र भाई हम प्रोजेक्ट चले हैं उमेश भाई हम चूंकि इस बजट पे चर्चा कर रहे हैं अब नया सत्र शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से हम ये चाहते हैं यहाँ की जनता ये चाहती है कि इस बजट का अधिकाधिक खर्च उन 5000 गांवों की सड़कों पे लगे जो अभी तक महरूम है 81,000 जो पद रिक्त है उनको नौकरियां मिले ठीक है 57,000 हेक्टेयर कृषि भूमि हमारी कम हो गई है कुछ ऐसा इस बजट से ऐसा किया जाए कि हमारी कृषि भूमि बढ़े अविकल भाई का क्षेत्रफल बढ़े अविकल भाई 11,000 हम वक्त से आगे ना बढ़े बस हम वक्त से आगे ना बढ़े अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी बहुत संक्षेप में। देखिए मैं कहूंगा आज जब उत्तर प्रदेश का बजट आया तब वहां भी अखिलेश यादव के बजट के विरुद्ध जो विपक्षी दल थे उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए कि चलो बजट तो मान भी ले ठीक है लेकिन इस पर हो कुछ नहीं पाएगा ये हम आज जानते हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही थी वही बात यहां भी कहूंगा। मैंने कहा था कि विवाह के दिन हम हिंदुस्तानी लोग तलाक की संभावनाओं पर चर्चा नहीं करते विवाह के दिन ये चर्चा नहीं करते कि लड़की तो अच्छी है लड़का भी सुंदर है लेकिन इनके बच्चे संतान नहीं होगी ये कोई चर्चा करता है क्या नहीं ना ये भारतीय संस्कृति नहीं ठीक बात है। आज आप जो बजट लाए हैं कागज में क्या लिखा आज तो उतना ही पढ़ूंगा और कागज ठीक है ये तो सब जानते हैं कि सब कुछ क्रियान्वयन पर टिकेगा। आईपीसी भी इंडियन पेनल कोड भी बेकार है हमारे यहां क्योंकि इंप्लीमेंटेशन नहीं ना हो रहा है कानून का ढंग से। भारत का संविधान दुनिया के सबसे मोटे संविधानों में से एक लेकिन जमीन पर जो बाबू तैनात है जूनियर इंजीनियर दरोगा सिपाही होमगार्ड चपरासी क्लर्क वो नहीं मान रहा ना चीजों को इसलिए मशीनरी दुरुस्त रहे तो उत्तराखंड आगे बढ़ेगा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे। वहां की 1 करोड़ जनता को जीतना चाहिए पार्टियां आती जाती हैं ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं। उत्तराखंड की गरीबी मिटे वहां जो प्राकृतिक आपदाओं का जो प्रकोप है वो हम नहीं रोक सकते ये बात ठीक है लेकिन राहत में हम चुस्ती दिखा सकते हैं। ये जो तमाम छोटी छोटी जरूरतें हैं स्कूल में टीचर हो अस्पताल में डॉक्टर हो ये सब चीजें मुहैया हो वहां की जनता को वहां की जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट आए तो उमेश जी की भी जय जय सुरेंद्र अग्रवाल जी की भी जय जय जी। और उमेश अग्रवाल साहब समाचार प्लस को चलाने के लिए ना किसी नेता की जरूरत ना किसी मुख्यमंत्री की जरूरत ना किसी सरकार की जरूरत ना किसी विज्ञापन की जरूरत हमको जरूरत तो आपके प्रेम की है आपकी खरी खरी बातों की है और जनता जनता के स्नेह की जरूरत है। सरकारें तो आती और जाती रहती हैं समाचार समाचार प्लस चल रहा है चलता रहेगा अनंत काल तक हम रहें चाहे ना रहें सरकार रहे ना रहे समाचार प्लस चलता रहेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं अमिताभ अग्निहोत्री जी और अतुल अग्रवाल यहां पर किसी को खुश या नाखुश करने के लिए नहीं बैठते जी हां हम अपने 18 करोड़ दर्शकों को खुश करने यहां जरूर बैठते हैं और वो करते रहेंगे आप खुश हो या नाखुश इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का नमस्कार। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन कम प्राइस लग्जरियस फैसिलिटीज
एक्सेलेंट लोकेशन और नेचर के पास. श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज. रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय